हे फ्रेंड, वेलकम बैक। सो आज हम बात करने वाले हैं आर ओ आर ओ की बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। ये बुक लिस्ट जो हमसे नए जुड़े हुए हैं, जिनको नहीं मालूम उनके लिए है, और जो आप लोग पहले से जुड़े हैं, आप लोगों ने पहले वीडियो देख रखा है, वो आप प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करना और आप अपने पढ़ाई कंटिन्यू रखो, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द आएगी आप लोगों के सामने। इसलिए जो हमसे जुड़े हुए हैं पहले से, वो ना देखें, और जो अभी जल्द ही जुड़े हैं वो उनके लिए बुक लिस्ट है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट का कमेंट था कि बुक लिस्ट एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि सिंगल वो वीडियो ढूंढ नहीं पा रहे, क्योंकि ज़्यादा दिन हो गया ना बताए, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से बताया जाए। तो उनके लिए, तो चलो फिर मैं बुक लिस्ट बताती हूँ आप लोगों को। अब हम बात कर लेते हैं कि आर ओ आर ओ के लिए कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगी कि आप, एक यूथ की बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन की, आर ओ आर ओ के लिए आती है। पीसीएस की भी आती है, वो अलग आती है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होती है। यूथ की आती है आपको 400-500, मुझे आइडिया नहीं है कितने की मिल जाएगी, लेकिन हाँ ऐसे ही थोड़ी महंगी मिलती है, तो आप ना उसको मंगा लेना, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, आए या ना आए, आप एक बार रफली बस पेज पलट के देख लेना कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे ज्योग्राफी में ना फैक्ट वाली चीज़ें ज़्यादा वर्ड ज्योग्राफी में पूछी जाती हैं, कि झील, पर्वत, पठार, ये सब मतलब बाहर कौन से हैं, घास के मैदान, सवाना घास के मैदान, समझ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा कि कैसे। तो जब आप बुक स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ ये फैक्ट लिखा हुआ है, यानी कि ये एग्जाम में आ सकता है फैक्ट वाली चीज़ें। जब आप ना एक पैटर्न पता चल जाता है, वरना जब आप बुक पढ़ते हैं ना, तो आपको हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है उसमें। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी होता है। एंड उसके बाद जो है, हम बात करेंगे जब आपका ये पहला ख़त्म हो जाएगा, मतलब आप यूथ ले लेंगे और एक बार आर ओ आर ओ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप दूसरे में करंट अफेयर का अहम रोल होता है, अच्छा खासा 30-35 क्वेश्चन करंट अफेयर से आता है। तो मैं कहूँगी कि अगर आप कंफर्टेबल हैं यूट्यूब पर, तो किसी का यूट्यूब पर वीडियो देख लो, नहीं तो फिर मैंने मार्केट में देखा हुआ है, एक सौ रुपये के आसपास एक मैगजीन आती है क्रॉनिकल की, ठीक है, और एक आती है 35 रुपये की। अगर आप मेंस लिख रहे हैं आर ओ आर ओ टाइप, वो पीसीएस टाइप का, तो आप जो है 100 रुपये वाला ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ आर ओ के लिए कर रहे हैं, तो आप 35 रुपये वाला। मैं इसके लिए, जब मेरा एग्जाम आया था पिछली बार, तो मैंने इसी 35 रुपये का आता है, इसी से मैंने एग्ज़ाम निकाला था, तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आपके पास बजट में 35 रुपये तो बजट में होता ही है, तो 35 रुपये का क्रॉनिकल आता है, आप उसे ले सकते हैं। आपके थोड़ा आपका जो भी लोकल मार्केट होगा वहाँ मिल जाएगा, तो 35 रुपये का क्रॉनिकल आप ले लेना। करंट अफेयर के लिए बेस्ट बता दिया है, ये बहुत अच्छी किताब है। उसके बाद हिंदी के लिए जो 60 नंबर का आता है ना, ये सबसे बड़ी सिरदर्दी है कि आपका 56-57 नंबर कैसे है। मैं बार बार कहूँगी लोगों के बहकावे में मत पड़ो कि कोई कहता है 56 नंबर कैसे लाएँ, 60 नंबर कैसे लेकर के आएँ, आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हज़ारों बुक ज़रूरत नहीं है। आप एक डिकोड की उठा लो, इसको बार बार पढ़ो। ये ना काउंट करो कि मैंने 10 पढ़ा या 20 बार पढ़ा। मैं एक ही किताब पढ़ती, पहले मैं पिंक सिटी पढ़ती थी, बट डिकोड की एग्जाम मैंने जब देखा, तो वो सिर्फ और सिर्फ आर ओ के लिए ही बनाया गया है, वो किसी और एग्जाम के लिए बनाया ही नहीं गया है। जो अपने 6 सिलेबस है, वो 6 उसमें दिए हुए। बहुत बेस्ट किताब है, मुझे अच्छी लगती है वो। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ यही लें, बार बार रिविजन करें। लोग कहते हैं ना कि एक चीज़ को 1000 बार पढ़ो तो ज़्यादा फायदा करता है, और 1000 चीज़ को एक एक बार पढ़ो तो वो कोई फायदा नहीं करता, तो वही वाला है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट, आप पहले आप क्या करें, सिलेबस अपना निकाल लें, ठीक है। आप सिलेबस सामने फिर रख लेंगे ना, जीएस का पार्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीएस में क्या क्या है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, और यूपी का है, और उसके बाद जो है आपके पास जनसंख्या नागरिकरण है, ऐसा करके आपको पता चल जाएगा कि क्या सब्जेक्ट में है, रीजनिंग है। उसके बाद जो है, अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट में हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए आप क्या रखेंगे, हिस्ट्री के लिए मैंने एस के पांडे बताया, एस के पांडे या लूसेंट, दोनों में से कोई एक पकड़ लेना, या फिर परीक्षावाड़ी आती है, ये भी अच्छी है, ठीक है। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं ना कि मैंने यहाँ 3 किताब लिखा, एस के पांडे लिखा, लूसेंट लिखा और परीक्षावाड़ी लिखा, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ ये 3 किताब कैसे अच्छी है। देखो, परीक्षावाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है, एस के पांडे भी नो डाउट बहुत अच्छी है, बट ये पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो भी ऐड कर लें, तो इस आपका ना पीसीएस और आर ओ दोनों की नहीं पार हो जाएगी। तो और लूसेंट भी अच्छी है, लेकिन मैं आप लोगों को एक सजेस्ट करूँगी एज अ सिस्टर, मैं मतलब फैमिली समझ के आप लोगों को बताती हूँ, जो मैं अपने भाई को समझाती हूँ। जब भी आप मार्केट में जाएं बुक लेने, तो आप क्या करें, जैसे आपको 3 किताब के बारे में पता चल गया कि बहुत सारे लोग इतने किताब बताते हैं, कोई परीक्षावाड़ी, कोई लूसेंट, कोई इसके पांडे, ठीक है। अब आप क्या करें, जब भी मार्केट में जाएँ तो वहाँ आप तीनों को खोल के देख लें कि क्या है, आपको इसकी भाषा समझ में आती है। जैसे कि जब मैंने मैगजीन स्टार्ट किया, तो मैंने दृष्टि के, लोग कहते थे दृष्टि की पढ़ो, मैंने दृष्टि की ली, उसके बाद जो लोगों ने विजन बताया, क्रॉनिकल बताया, ये 3 ट्रेंड में थे जब मैंने स्टार्ट किया था। फिर मैंने क्या किया कि मैं गई और मार्केट में देखा, अब मैंने दृष्टि एक बार पढ़ा भी, बट उसकी भाषा ना मुझे नहीं समझ में आती थी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भाषा हिंदी ही थी, आती थी, लेकिन जो उसके शब्द थे ना, उससे चीज़ें याद नहीं होती थी, दिमाग में बैठती नहीं थी मुझे,
स्टार्टिंग में। उसके बाद जो है मैंने क्रॉनिकल और ये देखा विजन में, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया कि कौन सी बुक अपने लिए परफेक्ट है, और तीनों ही परफेक्ट है। अगर इतिहास में लिखा हुआ है कि 1857 की क्रांति कब हुई और कैसे हुई, तो ये तीनों में ही लिखा रहेगा, बस किसी में कंटेंट ज़्यादा किसी में कम होगा, ठीक है, और इतना भी कम नहीं होता। तो आप अपने हिसाब से इसे लें। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, मैं इसके पांडे पीसेस दे रहे हैं तो इसके पांडे बोलूँगी, अगर सिर्फ आरओ दे रहे हैं ना सिर्फ और सिर्फ, तो परीक्षा वाड़ी रख लेना, ठीक है। अब मैं ऐसे ही सेम ज्योग्राफी के लिए बताने वाली हूँ, जो कि आप परीक्षा वाड़ी रख लेना और पीसीएस और दोनों दे रहे हैं तो महेश वर्डवाल रख लेना, ठीक है। परीक्षा वाड़ी आप परीक्षा वाड़ी के सारे सब्जेक्ट के रख लेना तो भी सही है। मैं फिर से कहूँगी, एक बार जाकर के पेज खोल के पलट के ज़रूर देखना, दूसरों पर भरोसा करके मत रहो। उसके बाद जो इकोनॉमी के लिए आपको जो है करंट अफेयर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, और आप परीक्षा वाड़ी या लूसेंट ले लेना, ठीक है, परीक्षा वाड़ी, तो आप परीक्षा वाड़ी या लूसेंट ले लेना। तो इससे ना आपके जो कुछ चैप्टर हैं, जैसे बजट हुआ और आपका कर हुआ, कर से रिलेटेड टैक्स, मतलब टैक्स से रिलेटेड या जो है योजना है, ठीक है, योजनाएं जो थी, तो ये सब जो है आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज हो जाएगी ना, तो आप कर लेंगे। और करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो आप करंट अफेयर के लिए आप वही मैंने आपको बताया कि क्रॉनिकल 35 रुपये वाला ले लेना, तो उससे हो जाएगा। पॉलिटी पर आते हैं, पीसीएस की कर रहे हैं तो हम लक्ष्मीकांत कहेंगे, लेकिन अगर आप पीसीएस नहीं कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आरओ कर रहे हैं तो परीक्षा वाड़ी बेस्ट है, ले लेना। उसके बाद साइंस के लिए मैं लूसेंट बोलूँगी, या फिर आपको नहीं समझ में आता, आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो एक बार खान सर का लेक्चर देख लेना, अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद जो है संजन संख्या नागरीकरण और कृषि वाणिज्य के लिए परीक्षा वाड़ी ही बोलूँगी, और इसके बाद कोई और किताब नहीं कहूँगी, ठीक है। यूपी के लिए आप परीक्षा वाड़ी ही आती है रेड कलर में, अभी फ्रंट पेज चेंज हुआ कि नहीं मुझे नहीं, अभी न्यू एडिशन का, बट मेरे पास रेड कलर का बुक है, परीक्षा वाड़ी लिखा है, वो आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो ज़्यादातर परीक्षा वाड़ी ही है इसमें। और एक रीजनिंग की हो गई, ठीक है, रीजनिंग, ठीक, आपका रीजनिंग का है, मैंने वीडियो बताया था, तो आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो में यूट्यूब पर एक सर का नाम था दीपक सर, उनका रीजनिंग का है, दीपक सर का, ठीक है, तो आप उनको सर्च करेंगे और आ जाएगा। उनका अलग से एक चैनल है, दो दीपक आते हैं, एक एग्जामपुर पे पढ़ाते थे, अभी तो छोड़ दिया उन्होंने, एक उनका खुद का दीपक सर का चैनल है, तो उन सर का चैनल पे जाकर के आप ये इनका देख सकते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। और रीजनिंग में बोलूँगी कि पहले आप अपने सब जो है टॉपिक लिख लो कि रीजनिंग में कौन से टॉपिक आते हैं, उसके बाद जो है आप वही टॉपिक उठा के दीपक सर को सर्च कर लेना और क्लियर हो जाएगा। वीडियो में बताया था कि आप 2 महीने में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं आप मुख्य अपने सिलेबस को, जो मुख्य मुख्य हिस्ट्री ज्योग्राफी और ये सारी चीज़ें, और ये आप अपना कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह कुछ सिलेबस हमने बांटा है, और ये बेस्ट बुक है। अगर कोई कहेगा इससे नहीं होता है तो भाई उनसे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि करने वाले ना इसी बुक से कर लेते हैं, बहुतों का सिलेक्शन इसी बुक से हुआ है, और बहुतों का सारे बुक पढ़ने के बाद भी नहीं हुआ। तो कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि इतने बुक में नहीं होता, अपने अंदर ना भरोसा रखो, हो जाता है, बहुत लोग निकाले हैं, किसी टॉपर से या किसी सिलेक्टेड से ज़रूर पूछ लेना, अगर मेरी बातों पे भरोसा ना हो, और मैंने भी यही पढ़ के निकाला हुआ है, तो मैं दूसरों का क्या कहूँ। तो चलो फिर, ये आपने सिलेबस देख लिया, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो बता। तो इस वीडियो के लिए लगाते हैं विराम, कल मिलते हैं, तब तक के लिए राधे कृष्णा।